हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता डिजिटल डायरीज। और गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। सो गाइस, आज हम कुछ स्पेशल बनाएंगे जिसके लिए मैंने उबला हुआ अंडा और अंकुरित चना लिया है। आप लोगों को तो पता ही होगा कि उबला हुआ अंडा और अंकुरित चना हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जैसे अंकुरित चने में प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, आयरन, मिनरल और विटामिन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर को कई बीमारियों से दूर रखने में मदद करते हैं। अंकुरित चना को पाचन के लिए भी अच्छा माना जाता है। इतना ही नहीं, इसके सेवन से खून की कमी को भी दूर किया जा सकता है। सेहत के साथ साथ अंकुरित चना त्वचा और बालों के लिए भी बहुत फायदेमंद होते हैं। चना हड्डियों और दांतों को भी मजबूत रखते हैं। अंडा आँखों के लिए फायदेमंद है। अंडे में विटामिन डी और प्रोटीन पोषक तत्व पाए जाते हैं। अंडे में कोलिन पाया जाता है जिससे मेमोरी तेज होती है। उबले हुए अंडे खाने से जोड़ों में दर्द नहीं होता। ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए भी अंडा अच्छा विकल्प माना जाता है। इसलिए मैंने दोनों के कॉम्बिनेशन से एक रेसिपी तैयार की है और इस रेसिपी का नाम है एक चना फ्राई, जो बॉडी के लिए तो हेल्दी है ही, खाने में भी बहुत ही स्पाइसी एंड टेस्टी है, जिसे आप शाम के नाश्ते में इजीली बना सकते हैं। जिसे बनाने में बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है और सारे इंग्रेडिएंट्स आपको घर में इजीली मिल जाएंगे। तो चलिए गाइस, एक चना फ्राई बनाना स्टार्ट करते हैं। एक चना फ्राई बनाने के लिए मैंने 2 कटोरी अंकुरित काला चना, 2 कटा हुआ हरा मिर्चा, 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल, 1 कटा हुआ टमाटर, 1 कटा हुआ प्याज, 2 कटा हुआ उबला आलू, कटा हुआ धनिया, 1 उबला हुआ अंडा लिया है जिसे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। मसालों में 1/2 चम्मच सब्जी मसाला, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच चिकन मसाला, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक लिया है। सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे और उसे गर्म करेंगे। कढ़ाई जब गर्म हो जाए तब हम उसमें 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे। तेल के गर्म होने पर कटे हुए प्याज और मिर्चा डालकर थोड़ी देर फ्राई करेंगे। फिर इसमें कटे हुए टमाटर डालकर इन्हें भी थोड़ी देर फ्राई करेंगे। फिर 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डालकर थोड़ी देर फ्राई करेंगे। फिर अंकुरित चना डालकर फ्राई करेंगे। फिर सारे मसाले डालकर थोड़ी देर फ्राई करेंगे। चना जब फ्राई हो जाए तब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर थोड़ा देर और फ्राई करेंगे। फिर कटे हुए आलू डालकर इन्हें भी थोड़ी देर फ्राई करेंगे। जब आलू और चना फ्राई हो जाए तब कटा हुआ अंडा डालकर सबको मिक्स करके फ्राई करेंगे। इन सबको फ्राई करने के बाद थोड़ा देर ढककर पकाएंगे। ढक्कन हटाकर चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से पक चुके हैं। लास्ट में 1 चम्मच बटर डालकर मिक्स करेंगे। आप चाहे तो बटर डाल सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं। बटर डालने से इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है।
आप देख सकते हैं बटर इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है। तो लीजिए गाइस, हमारा गर्मा गर्म एक चना फ्राई रेडी हो गया है। अब हम इन्हें सर्विंग प्लेट पर निकाल लेंगे। इन्हें और भी टेस्टी और स्पाइसी बनाने के लिए मैंने इनके ऊपर ग्रेट किया हुआ पनीर, कटा हुआ हरा मिर्चा, कटा हुआ धनिया और आलू भुजिया डाला है। आप चाहे तो इन्हें डाल सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है। तो लीजिए गाइस, हमारा गर्मा गर्म एक चना फ्राई बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैं आपको इसे सामने से दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये कितने टेम्प्टिंग एंड डिलीशियस लग रहे हैं। सो गाइस, आप भी इसे अपने घर पर ट्राई करें और फैमिली के साथ इंजॉय करें। और गाइस, आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। सो गाइस, अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हंसते रहें।